जिले के लांजी और किरणापुर क्षेत्र में लगभग 4 वर्षों से चल रहे पैसों को डबल करने का खेल अब खत्म हो चुका है। जहां लोगों को धोखे में रखकर डबल पैसा वापस करने का प्रलोभन देकर अवैध तौर पर लोगों से पैसा को अपने पास जमा करने और बिना किसी वैधानिक अनुमति से पैसों का निवेश कराने के इस मामले में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए अब तक जितने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अब उनके बैंक खाते और चल अचल संपत्ति कुर करने की कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि जिला सहित पड़ोसी राज्य में बहुचर्चित डबल मनी मामला 200 करोड़ के करीब का मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिले सहित पड़ोसी राज्य में बहुचर्चित डबल मनी मामला 200 करोड़ के करीब का मामला है। यह वह जारी आंकड़ा है जो पुलिस के पास शिकायतकर्ताओं के माध्यम से पहुंचा है। जारी आंकड़ों पर गौर करें तो सोमेंद्र कंकराय ने 176 करोड़ 16 लाख 74 हजार 620 रुपए, हेमराज अमाडारे के द्वारा 92 लाख 5 हजार 700 रुपए, अजय तिड़के के द्वारा 2 करोड़ 3 लाख 49 हजार 100 रुपए की राशि एकत्रित की गई थी। हालांकि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इधर इन आंकड़ों के अलावा रोजाना की जा रही कार्रवाई के बीच जहां एक ओर इन आरोपियों के एजेंटों की लगातार शिकायतें सामने आ रही है, तो वहीं अब शिकायतकर्ताओं भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं डबल मनी का यह मामला थमने की जगह लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इस बीच तहसील लांजी के ग्राम जुनेवानी में डबल मनी का पैसा छिपा कर रखे होने की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने पूरे गांव की जांच की। हालांकि पुलिस के द्वारा की गई इस जांच में डबल मनी का पैसा छिपा कर रखे होने की पुष्टि नहीं हो पाई। कमिश्नर से मिले आदेश पर डबल मनी वाले मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी थी कि लांजी के ग्राम जुनेवानी में डबल मनी का पैसा एकत्रित कर छुपा कर रखा गया है। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए शनिवार को एडिशनल SP आदित्य मिश्रा, SDOP दुर्गेश शर्मा के मार्गदर्शन में एक टीम ग्राम जुनेवानी पहुंची, जहां इस टीम ने पूरे गांव में जांच पड़ताल की और जगह जगह तलाशी ली गई। लेकिन पूरे गांव में की गई इस जांच और तलाशी में डबल मनी का पैसा छुपा कर रखे होने की कोई पुष्टि नहीं हो पाई और ना ही यह सूचना सच पाई गई। लेकिन फिर भी पुलिस इस मामले में किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती, जिसके चलते पुलिस मुखबिर से मिली सूचना की हर एंगल से जांच करने में जुटी गई है। उधर गांव में भारी भरकम पुलिस के पहुंचने और जगह जगह पूछताछ और तलाशी अभियान शुरू करने पर पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। आपको बता दें, एक दिन पूर्व ही सोशल मीडिया पर कमिश्नर बी चंद्रशेखर का एक आदेश वायरल हुआ था, जिसमें कमिश्नर चंद्रशेखर ने मनी से जुड़े सभी आरोपियों को डबल मनी से जुड़े सभी आरोपियों की संपत्ति को कुर करने के आदेश दिए थे। जहां कमिश्नर के आदेश के आने के बाद एक बार फिर इस मामले में कार्यवाही तेज हो गई है और गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपियों के अलावा उनके एजेंटों की गिरफ्तारी के बाद अन्य एजेंटों व आरोपी की लगातार तलाश की जा रही है। लांजी व किरणापुर क्षेत्र में लगातार डबल मनी मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है, जिसके तहत प्रमुख आरोपियों के साथ साथ पुलिस एजेंटों के विरुद्ध भी कार्रवाई कर अपराध पंजीबद्ध कर रही है। इस मामले में नई कार्रवाई सामने आई। न्यायालय संभागीय कमिश्नर एवं सक्षम प्राधिकारी के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच कर बैंक खातों को सीज करने के भी आदेश दिए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया। उधर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मामले में तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया गया, जिसकी खसरे में एंट्री भी हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार न्यायालय संभागीय कमिश्नर एवं सक्षम प्राधिकारी वी चंद्रशेखर ने डबल मनी से जुड़े सभी आरोपियों की चल अचल संपत्ति को अटैच करने और उनके बैंक खातों को अटैच कर उनकी संपूर्ण संपत्ति का विवरण निकालने का आदेश जारी किए, ताकि आम लोगों की शिकायत के आधार पर न्यायालय के माध्यम से पैसा लौटाने के प्रावधान और आदेश के तहत उनके द्वारा जमा की गई रकम को वापस लौटाया जा सके। इसके अलावा पुलिस टीम के द्वारा अन्य राज्यों में भी आरोपियों की संपत्ति की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जितने भी नामजद आरोपी है और लगातार इस मामले में आरोपी बढ़ते ही जा रहे हैं, उनकी भी संपत्ति को अटैच किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, सूचना है कि कुर्की संबंधी, लेकिन आप उसको एक तरह की कुर्की ना समझे, एक तरह की हमने संपत्ति अटैच जो है उनकी वो की है इस प्रकरण में, ताकि अगर लोगों को शिकायत मिलती है हम लोगों की, जो पैसा उनका जमा कराया गया अविनियमित रूप से, और इसमें जो सक्षम अधिकारी या माननीय न्यायालय आदि उन्हें उनकी जो संपत्ति हमने इसमें संबंध की इस प्रकरण में, उसके माध्यम से उन्हें अगर उनकी जो मूलधन राशि है वो लौटाने का अगर कोई भी प्रावधान होगा तो वो की जा सके वो प्रक्रिया। इस वजह से वो अभी कमिश्नर साहब के आदेश से वो संपत्ति भी अटैच की गई है। इसके अलावा अभी अन्य जो राज्यों में भी इनके जो आरोपियों की संपत्ति है जो, तो उसके लिए भी हम लोगों के द्वारा पत्राचार किया जा चुका है इस विवेचना में, ताकि हो सकता है कि अन्य राज्यों में भी इन्होंने इस प्रकार की कोई संपत्ति अर्जित की हो डबल मनी के नाम पर लोगों से पैसा जमा करके, उस प्रकरण में डबल मनी के प्रकरण में उन सभी के संबंध में हमने कार्रवाई के लिए जो है कार्रवाई शुरू की। जुनेवानी में हमें, चूँकि जैसा कि हम लोग को पता है कि लांजी क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और लगातार हमें कई लोगों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ
लोगों से जो अविनियमित रूप से जो पैसा जमा कराया गया है डबल करने के नाम पर, जी इन लोगों का पैसा इकट्ठा करके किसी जगह पर रखा हुआ है लेकिन पब्लिक को पैसा ना दिया जाकर जी लोगों ने अपने पास रखा हुआ है। तो उस सूचना की तस्दीक पर हम आए थे जूनेवाली ग्राम पे, जी और जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है तलाशी या अन्य प्रक्रिया है वो यहाँ पर हमारे द्वारा की गई है। तो सर, वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि हमने तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया है, आज खसरे में एंट्री भी हो जाएगी, इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी है।